हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग मी अगेन। कृतिका हेयर। आज हम सबके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ ट्रेडिशनल मराठी लुक, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए हड़बड़ी में, एक्चुअली घर में अभी काम लगा हुआ है तो इसके वजह से थोड़ा सा पूरा घर फैला हुआ है, और इसी बीच मैं ये ब्यूटी के चैनल पर आपके साथ वीडियो शूट कर रही हूँ, शेयर करूँगी। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा हड़बड़ा गई थी, तो मैं मेकअप फिक्सर अप्लाई की ले रही थी टोनर की जगह। तो सबसे पहले हम करेंगे CTM क्लीनिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो टोनर अप्लाई करने के बाद मैंने ये यहाँ पर मामाअर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र है, इसे अप्लाई कर लिया है। मॉइस्चराइज अपने फेस को ज़रूर कीजिए, अगर आप इस तरीके से अपना मेकअप करेंगे तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और काफ़ी देर तक चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, वाटरप्रूफ ही हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन, एंड इसके साथ मैंने ये वाइट टोन की फेस क्रीम मिक्स की है, और इसे हम अपने पूरे फेस पर, नेक एरिया पर अप्लाई कर लेंगे, और इससे हम यहाँ पर अपने फेस का बेस तैयार करेंगे। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा कलर करेक्टर यूज़ कर लें, बट मुझे डार्क सर्कल स्पॉट्स वगैरह नहीं है तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें ब्लेंड कर ली हैं, उसके बाद हम यहाँ पर कॉम्पैक्ट से अपने फेस का जो बेस है उसे इवन कर लेंगे। और इसके बाद मैं ले रही हूँ कंसीलर, तो हम अपने आई लेड पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, जिससे कि जो हम आई शेड्स अप्लाई करेंगे वो अच्छे से उभर कर आए। तो फेस को जहाँ हाईलाइट करना है वहाँ पर भी अप्लाई कर लें, और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लें। ब्यूटी ब्लेंडर आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं, तो आप वहाँ से पूरा पैक ले सकते हैं, जिसमें कि 3-4 आसानी से मिल जाते हैं। ब्लेंडिंग मस्ट है। इसके बाद हम यहाँ पर नोज़ पर इसे एक शार्प लाइन क्रिएट करते हुए अप्लाई कर लेंगे, और इसके बाद मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट से फिर से अपने आईज़ को जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया था इवन कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं ये आई शेडो पैलेट किट, जिसमें से कि मैं सबसे पहले एक कॉपर शेड पिक करूँगी, और जब भी आई मेकअप करें एक लाइट शेड से ही स्टार्ट करें। तो मैंने यहाँ पर ये आई लेड पर अप्लाई कर लिया है, सेम हम दूसरे आई लेड पर भी अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क शेड पिक करूँगी रेड में, इस तरीके से जैसे कि मेरे साड़ी का बॉर्डर है सेम, और इसे हम अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ पर एक और किट ले रही हूँ, इसमें से मैं गोल्डन शेड पिक करके अपने आई लेड के सेंटर पार्ट पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर मेबेलिन फिट मी का ही आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, इजीली अप्लाई भी हो जाता है, और ये मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे मतलब और भी जितने ब्रांड यूज़ करती हूँ उसमें मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग तो काफ़ी ज़्यादा है ही, और इसका कलर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैंने इसे एक विंग आईलाइनर की तरह अप्लाई कर लिया है। इसके बाद अप्लाई करेंगे मस्कारा, देन हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, मैंने यहाँ पर ये आईब्रो पैलेट किट ली है, और हम इसके हेल्प से अपने आईब्रोज़ को फिल कर लेंगे। आप जैसे भी फिल करते हो वैसे कर लें, ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सेम आपके पास होने चाहिए। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उन्हीं को यूज़ करके आप एक अपना अच्छा सा मेकअप बेस क्रिएट कर सकती है। आईब्रो मेकअप बेस बनाने में थोड़ी डल हो जाती है, इसलिए ज़रूर कीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्ज। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये हाइलाइटर, तो मैं गोल्डन शेड पिक कर रही हूँ, जैसा मेरी साड़ी में वर्क दिया है ना सेम, तो मैं आज उसी से रिलेटेड अप्लाई करूँगी। नोज़ पर थोड़ा अप्लाई करेंगे, चीक्स पर अप्लाई करेंगे, चेन पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम अपने आईज़ के कॉर्नर पर एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर जिससे कि हमारी आईज़ है हाईलाइट हो जाए, और थोड़ा सा आईब्रो के लोअर पार्ट में अप्लाई करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ लिपस्टिक, और इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकते, पसीना आपको मेरे फेस पर दिख रहा होगा, और लाइट का इस समय बहुत दिक्कत चल रहा है, तो एसी वगैरह नहीं चल सकता है। इसके बाद मैं ले रही हूँ सिंदूर, तो ये ड्राई सिंदूर है, उसे हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, और इसके बाद सबसे मस्ट हमारी मराठी नथ, इसे अप्लाई करेंगे तो मेकअप का बेस तैयार है, बस हम ज्वेलरी वगैरह चेंज करेंगे। और ये मेरे पास बिंदी नहीं थी, जो मराठी बिंदी होती है ना, तो मैं यहाँ पर एक हैक यूज़ कर रही हूँ, आप भी ट्राई कीजिए।
तो ये लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है मेरी रेड कलर की, और जो मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया सेम उसी को मैंने, जो जूड़ा पिन की बैक साइड होती है ना वो यू शेप का ही पिन होता है, राउंड शेप बिंदी लगाऊंगी तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, और इस हैक के साथ आप भी इस बिंदी को यूज़ कर सकते हैं। और ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग हो गई थी ना, हटी नहीं रही थी, और इसका कलर बहुत डार्क नहीं आया है, तो इसी पिन पर मैंने एक बार फिर से सिंदूर लगा के इसी लिपस्टिक के ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर दूँगी, जिससे कि इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो फाइनली कम्प्लीट होता है यहाँ पर मेरा लुक, बट अभी ठहरिए, मेरा लुक कम्प्लीट नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी ज्वेलरी वेयर करनी है। और ये हेयर स्टाइल मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तो प्लीज़ ज़रूर वेट कीजिएगा। तो फाइनली ये है आज का मेरा मराठी लुक, कैसा लगा आपको मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरा चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये मैंने मराठी साड़ी स्टाइल में ही बनारसी साड़ी को वेयर किया है, कैसे किया है इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो देखते रहिए। और ये मैंने लास्ट में जो पिन लगाया हुआ था वो मैंने अब जाके खोला है, तो इस तरीके से रेडी होकर आप गणेश पूजा में कहीं भी जा सकते हैं, घर में हो पूजा तब भी आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही कम सामान से जो आपके पास अवेलेबल है बस उसी से अपना लुक क्रिएट कीजिए। और हेयर स्टाइल भी मैंने खुद से ही बनाई है, तो ट्राई ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव।